दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चले पहली खबर में देखिए, बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर के नियुक्ति के लिए निकाला विज्ञापन, इस तारीख तक करें आवेदन। जहाँ देखिए बिहार में 55 नए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर 2022 तक आवेदन पत्र जमा करने का मौका दिया गया है। वही देखिए नए ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति के साथ ही राज्य में ड्रग इंस्पेक्टर के सभी स्वीकृत 163 पदों को भरा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से या फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए। खबर में देखिए, बिहार में 20 एक्सप्रेस और 14 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। वैशाली और कैपिटल एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनें डायवर्ट, 2 से 8 दिसंबर तक बरौनी जंक्शन पर होगा काम। जहाँ देखिए बिहार के सोनपुर मंडल में रेल परिचालन में बड़ा फेरबदल किया गया है। यह बदलाव आने वाले 2 से 8 दिसंबर 2022 तक के लिए होगा। इसके अनुसार 20 मेल एक्सप्रेस व 14 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ में 25 विभिन्न ट्रेनों का रास्ता भी बदल दिया गया है। जिन ट्रेनों का रद्द किया गया उसमें बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, पटना कटिहार एक्सप्रेस, सहरसा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, बरौनी नई दिल्ली स्पेशल, हटिया पूर्णिया कोड एक्सप्रेस, पटना जयनगर एक्सप्रेस, हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, वही सहरसा पटना एक्सप्रेस और पटना सहरसा एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा जिन पैसेंजर को रद्द किया गया उसमें बरौनी समस्तीपुर बरौनी डेमू स्पेशल, वही कटिहार समस्तीपुर मेमू स्पेशल, कटिहार बरौनी मेमू स्पेशल, समस्तीपुर बरौनी मेमू स्पेशल, बरौनी पटना मेमू स्पेशल, बरौनी पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल और दानापुर बरौनी मेमू स्पेशल शामिल है। देखिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल व पर्यटन स्थलों से बैरिया आईएसबीटी के लिए चलेगी सरकारी बसें। जहाँ देखिए शहर के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल व पर्यटन स्थलों से पाटलिपुत्र अंतर्राज्य बस टर्मिनल बैरिया के लिए सरकारी बसें चलेगी। इनमें पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल शामिल है। सोमवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बस टर्मिनल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परिवहन निगम को इस संबंध में निर्देश भी दिया गया है। खबर में देखिए, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने के आसार। जहाँ देखिए आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इस सप्ताह जारी हो सकता है। नतीजे इस सप्ताह के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने पर अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड नतीजे जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कई शिफ्टों में होने के चलते नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया है। खबर में देखिए, बिहार के कैथल वलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, 2024 में होगा उद्घाटन। यह देखिए अयोध्या से जनकपुर के बीच पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण दिसंबर में शुरू होगा। यही 6 महीने के भीतर दुनिया के सबसे बड़े व 33 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी। वही आपको बता दें कि मंदिर का उद्घाटन 2024 में होगा और दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के लिए तमिलनाडु के चित्रपल्ली जिले की पहाड़ी से ग्रेनाइट की एक चट्टान ली गई है। करीब 250 मीट्रिक टन वजन इस चट्टान को 196 चक्के और 122 फीट लोबी लॉरी से महाबलीपुरम पहुंचाया गया, जहां से तरासने के बाद इसे केतवलिया लाने में 1.5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इससे ट्रक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। देखिए बिहार पुलिस में जल्द ड्राइवर के पदों पर होगी बहाली, गृह विभाग ने मांगा प्रस्ताव। जहाँ देखिए बिहार पुलिस में जल्द सभी श्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवर की भर्ती होगी। गृह विभाग ने चालक, सिपाही, वायरलेस चालक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चालक के पदों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश भी दे दिया गया है। मुख्यालय को ड्राइवर के नियुक्ति के पद के सृजन और रोस्टर की कार्रवाई पूरी करने को भी कहा गया है।
में देखिए सीबीएसई का बड़ा निर्णय, अब 3 साल तक के बच्चों के ही नर्सरी में होगा एडमिशन। जहाँ देखिए सीबीएसई अब अपने से संबंधित सभी स्कूलों में नर्सरी में बच्चों का नामांकन लेने की नियमावली में बदलाव की तैयारी में है। अब नई सत्र 2024 में नर्सरी नामांकन प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। इसके तहत अब नर्सरी में 3 साल तक के बच्चों का ही नामांकन होगा, उससे अधिक आयु के बच्चों का नामांकन नर्सरी में नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अधिकतर सीबीएसई स्कूल में 3.5 साल से 4.5 वर्ष तक की उम्र सीमा वाले बच्चों का नामांकन नर्सरी में होता है, लेकिन अब 2024 में इसमें बदलाव किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह बदलाव सीबीएसई स्कूलों में करने की तैयारी है। साथ ही आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब सीबीएसई स्कूलों में कक्षाओं को 4 भाग में संचालित होगी। पहली नर्सरी से कक्षा 2 तक रहेगा, वहीं द्वितीय स्टेज में कक्षा 3 से 5वीं कक्षा तक रहेगा। इसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 वर्ष तक होगी। तृतीय स्टेज में 6ठी से 8वीं तक होगा, वहीं चौथे स्टेज में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं होगी। बोर्ड की माने तो अभी 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड होगा। में देखिए राज्यों में फिर से बालू का संकट पैदा होगा, सरकार का अलर्ट मैसेज, अगले महीने रुकेगा खनन। या देखिए बिहार में अगले महीने एक बार फिर से बालू का संकट पैदा होने जा रहा है। बिहार में बालू का खनन अगले महीने 25 दिसंबर के बाद नहीं होगा। बालू खनन पर रोक हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के तहत लगाई जा रही है और इसे लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट मैसेज भी जारी कर दिया गया है। भाई देखिए अलर्ट मैसेज प्राइवेट बिल्डर्स और आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सरकार ने अपने अलग अलग विभागों को संदेश भेजा है कि अगले महीने बालू खनन का काम बिहार में बंद हो जाएगा। बिहार में 26 दिसंबर के बाद बालू खनन पर रोक से जुड़ी जानकारी राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 3,38,000 पद है खाली, जल्द होगी बहाली, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। याद कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को झंझारपुर में कहा कि शिक्षक नियोजन की छोटी इकाइयों को बंद कर केंद्रीकृत करने पर विभाग गंभीर है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव किए जा रहे हैं, पुराने नियोजन नीति ने बिहार शिक्षा के प्रयास को कमजोर किया था, उसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 3,38,000 रिक्तियां है, जिसे क्रम अनुसार नियोजित करने का काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रोजगार के प्रति काफी गंभीर है, नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बची रिक्तियों पर बहाली की जा रही है, कुछ समय तो लगेगा ही। उन्होंने बताया कि शिक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कुल बजट का शिक्षा पर होने वाले खर्च को 21 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में नए साल में बल्ले बल्ले, इस विभाग में 15,000 पदों पर होगी बहाली। जहाँ देखिए बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है, राज्य में कृषि विभाग के रिक्त 15,000 पदों पर बहाली होगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2023 तक बहाली कर जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों की सूचना बीपीएससी और क्लर्क ए उससे नीचे के पदों की जानकारी एसएससी को दे दी गई है। वहीं कुमार सर्वजीत ने कहा कि जनवरी से लेकर फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे और विभाग को मैन पावर सौंप दिया जाएगा। वैद्य के मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार नौकरी के साथ साथ लोगों को रोजगार देने की तैयारी भी कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कृषि विभाग के हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, इन जमीनों को प्राइवेट एजेंसियों को लीज पर देने की तैयारी चल रही है। एजेंसियां इन जमीन पर गेहूं, मकई, धान, सरसों आदि के बीज तैयार करेंगे, साथ यहां सब्जी और फलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। देखिए बिहार के 15 जिलों में गिरा पारा, गया का पारा गिरकर 10.8 पहुंचा सिवान, बक्सर, बेगूसराय सबसे अधिक प्रदूषित शहर। यदि के मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल पूरे बिहार की बात करें तो यहां अलग अलग शहरों के न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच रहा है। वहीं देखिए बिहार में ठंड का असर और भी अधिक होने वाला है, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो गया जिला सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले भागलपुर जिले का सबौर जिला सबसे ठंडा क्षेत्र बना था, जहां 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही देखिए आपको बता दें कि पटना में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण के मामले में देश के 6 टॉप शहरों में बिहार के सिवान, बक्सर, बेगूसराय और छपरा शामिल है। पटना की स्थिति भी गंभीर है, सिवान का इक्वाई लेवल 460 और पटना का 395 रहा। हालत ये बन गई है कि अब सड़क पर निकलने से आंखों में जलन महसूस हो रही है। सबसे अधिक प्रदूषित हवा राजा बाजार इलाके की है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि सड़क पर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं।
दूसरी तरफ में देखिए, बिहार में बीजेपी ने पहली बार उठाया शराबबंदी पर सवाल। सुशील मोदी बोले 6,000 करोड़ का हो रहा है नुकसान। यह देखिए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के वित्त मंत्री रहे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार की शराबबंदी नीति के कारण राज्य को हर साल 6,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से शराबबंदी कानून को राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए खराब बता रही है। वहीं देखिए, मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कारण 6,000 करोड़ रुपए के वार्षिक नुकसान के अलावा सभी राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से भी बिहार 3-4 हजार करोड़ रुपए से वंचित हो सकता है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के अहंकार, शराब नीति और टकराव के राजनीति के कारण विकास धीमा पड़ा है। आर्थिक चुनौतियां गंभीर हुई है, अब बजट का आकार छोटा करने की नौबत आ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार एक तरफ बिहाड़ा, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है और दूसरी तरफ राजगीर में हवाई अड्डा बनाने के लिए केंद्र से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगा रही है। में देखिए, बिहार में ईंट, गिट्टी और सीमेंट 20% तक हुए महंगे। सरिया बालू सस्ता, फ्लाई एस ईंट की कीमत भी बढ़ी। जहाँ देखिए, भवन निर्माण सामग्रियों के भाव में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसका असर मकानों सहित अन्य कंस्ट्रक्शन काम में पड़ रहा है। लागत बढ़ती जा रही है। पिछले 2 माह में ईंट, गिट्टी, सीमेंट के भाव में 15-20% तक की तेजी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 2 माह पहले ईंट जहां 16,000 से 18,000 रुपए में मिल रही थी, इस वक्त इसका भाव 18,000 से 20,000 रुपए के बीच चल रहा है। इसी तरह गिट्टी की कीमत भी बढ़कर 9,000 से 9,500 रुपए से बढ़कर 11,000 से 12,000 रुपए हो गई है। साथ ही देखिए, सीमेंट के दाम में 1 माह के अंदर 20-30% तक की बोरी बढ़ गई है। जो सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी बिक रही थी, उसका कीमत अब 430 रुपए तक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राहत वाली बात यह है कि सरिया और बालू की कीमत में 20% तक कमी आई है। बालू की कीमत में 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, बिहार में दिसंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, इन रूटों पर चलाने की है तैयारी। जहाँ देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। बिहार को जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकता है। विभाग इसकी तैयारी कर रही है। दिसंबर तक अगली वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर आने की संभावना है। हालांकि नए वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर अभी तक मंत्रालय की ओर से फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जल्दी शुरू हो सकता है। ICF चेन्नई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेन 2 राज्यों को मिल सकता है, इसमें बिहार और तेलंगाना शामिल है। इन दोनों राज्यों को अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिला है। वहीं मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों के उन रूटों पर चलाया जाएगा जिन पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर और पटना रोड पर इसे चलाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सबसे बड़ी खास बात इस ट्रेन में यह है कि केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। साथ ही यह अन्य ट्रेनों की अपेक्षा काफी हल्की है। यह पूरी तरह से एसी है जिसमें स्वचालित दरवाजे लगे हैं। इसके अलावा इसमें सीट को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।